बॉलीवुड की सुपरस्टार और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने आखिर क्यों मारा रणबीर कपूर को थप्पड़। जी हाँ, आपने सही सुना है। ये बात हम तक पहुँचने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना आपने के बाद पहुँचाया जाए। आखिर कब मारा, क्यों मारा और किस वजह से रणबीर को पड़ी अनुष्का शर्मा के हाथ की थप्पड़, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा ही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पूरी रिपोर्ट पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि एक शूटिंग के दौरान अनुष्का शर्मा ने रणबीर कपूर को जोरदार एक थप्पड़ मार दिया और ये मारने के बाद यहाँ के जितने भी लोग प्रेजेंट थे, इनफैक्ट मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और भी जितने कास्टिंग के लिए आप कह सकते को एक्टर्स मौजूद थे, सब लोग एक अलग ही शॉक रीजन में आ गए कि इनके भी सब कुछ ठीक तो है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुष्का शर्मा ने शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर को इतना जोर से थप्पड़ मार दिया? क्या रणबीर कपूर ने कोई बदतमीजी की या ऐसा कुछ है? क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको बता दूं कि दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ही एक दूसरे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, दोनों ही एक दूसरे को अनोइंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते। और ये बात जब बेस्ट फ्रेंड के बीच में तो तूतू मेमे होता ही है, लेकिन तूतू मेमे के बीच में हाथाफाई हो जाए ये तो कॉमन नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि अनुष्का शर्मा इतनी हाइपर हो के आप कह सकते हो रणबीर कपूर पे अपना हाथ उठा दी? तो मैं आपको बता दूं, ये कोई हाइपर वाला मूवमेंट नहीं था, बल्कि अनुष्का शर्मा के बारे में ये कहा गया है कि अनुष्का शर्मा हमेशा से एक रियल एक्टर रही है। वो सीन के दौरान भी वही सब करना पसंद करती है जो उनके दिल से और उनके मन में लग रहा हो कि मुझे करना है। अगर उनको रोने वाला सीन भी दिया जाए तो ग्लिसरिन की जगह पर वो खुद उस सीन में डूब जाती हैं और खुद उस चीज़ को इमेजिन करने लगती है और खुद ब खुद रोने लगती है। और ये दिल है मुश्किल में एक ऐसा सीक्वेंस आया था जहाँ पे अनुष्का शर्मा को रणबीर कपूर को एक थप्पड़ मारना था, जस्ट बिकॉज दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंडशिप में अगर नॉर्मली थप्पड़ मारे तो शायद इस बात का वो जो मज़ा है, वो जो क्रंचीनेस होना चाहिए सीक्वेंस में और उस सीन में, वो शायद नहीं दिखाई दे। इस वजह से अनुष्का ने अपना दिमाग लगाकर ये सोचा कि अगर मैं थप्पड़ मार रही हूँ तो रणबीर कपूर उस पर गुस्से वाला रिएक्शन देंगे, लेकिन अगर मैं हंसी मजाक में मार दी तो शायद उनका वो रिएक्शन सामने नहीं आएगा जो शायद इस सीन को बार बार रिटेक करने पे मजबूर कर देगा। इसलिए अनुष्का शर्मा ने रणबीर कपूर को उस दौरान, उस सीन के दौरान जोरदार थप्पड़ दर्ज किया था जो कि उनके सीन का एक पार्ट था, लेकिन सीन में ये नहीं कहा गया था कि रियल में मारना है। रियल में मारते मारते अनुष्का शर्मा ने रियल में रणबीर कपूर को थप्पड़ जड़ दिया। इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना ही ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा हुआ था जिस वजह से अनुष्का ने उनको थप्पड़ मारा, बल्कि वो सीन को रियल दिखाने के लिए उन्होंने रियल में थप्पड़ मार दिया था। और ये सीक्वेंस पहले भी वायरल हुआ था, लेकिन इसका वीडियो जब सामने आया, इनफैक्ट अभी जब इतने टाइम के बाद जब ये वीडियो सामने आ रहा है तो बहुत लोगों ने अलग अलग टाइप के रिएक्शन दिखाए हैं। फैंस ने ये भी कहा है कि अनुष्का शर्मा कैटरीना कैफ की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसी वजह से शायद कैटरीना कैफ का बदला ले लिया रणबीर कपूर से। या फिर एक ऐसे भी कॉमेंट सामने जहाँ पर उन्होंने ये दिया था, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होगा, कैटरीना और दीपिका के और से भी और दो थप्पड़ जड़ दो, ऐसे नेगेटिव कॉमेंट्स तो आते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे शॉकिंग बात तो ये था कि लोगों ने इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए और ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पहले शॉकिंग रिएक्शन दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुष्का ने ये कदम उठाए, लेकिन उसका रीजन तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन आप क्या सोचते हो उनके इस रिएक्शन के ऊपर, उनके फ्रेंडशिप के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूस।